आपका अंतःकरण तो माइक है, अगर दिव्य प्रेम दे दिया जाए तो इस शरीर के चूरे चूरे होके भस्म हो जाए, वो सहन नहीं कर सकता। इतना आनंद है भगवत प्राप्ति में। अरे एक भिखमंगे की 1 करोड़ की लॉटरी खुलती है तो हार्ट फेल हो जाता है, तो बताओ अनंत आनंद जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। स्वयं श्याम सुंदर अपने सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं, औरों की कौन कहे। रूप देखी आपनार कृष्णेर होय चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम। अपने ही रूप में वो मोहित हो जाते हैं तो उस सुंदरता का वर्णन शब्दों में कौन करे। इसलिए पात्र बनाना है हमको, और पात्र बनाने के लिए सबसे सरल और सस्ता उपाय है कलौ संकीर्त केशवम, भगवान का नाम गुण लीला संकीर्तन। हमारे प्रचारकों ने आप लोगों को यही सिखाया होगा, पढ़ाया होगा कि संकीर्तन करो, भगवान के नाम का, गुण का, लीला का, धाम का, जन का, संकीर्तन। पशु पक्षी कीट आदि बोलिते न पारे, सुनी ले हरि नाम तारा सब तरे, जपि लेते हरि नाम अपनी ते तरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। कलयुग में केवल संकीर्तन है, संकीर्तन से ही हमको वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होगा। लेकिन संकीर्तन में एक विशेष इंपॉर्टेंट बात है कि रूप ध्यान करना। पहले रूप ध्यान करो श्री कृष्ण का, जिसका भी कीर्तन करो पहले उसको सामने खड़ा करो। कैसे? मन से। मन ही उपासक है, ध्यान रहे। केवल वाणी से उपासना नहीं होती, केवल हाथ से पैर से इससे उपासना नहीं होती, मन प्लस इंद्रियां, मन अवश्य रहे। तो मन से रूप ध्यान बनाओ। कैसा है रूप, कैसा है मत पूछो, तुमको जो अच्छा लगे बना लो। सकृद्यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवती ददौ गतिम, मन से। देखो कितना सरल है, मन से चाहे जैसे बनावे हम, हमको जो पसंद हो, छोटे से और बड़े और बड़े और बड़े, बूढ़े। वेद कहता है त्वम जीर्णो दंडे न बंचसी, तुम बूढ़े बनकर डंडा लेकर चलते हो, तुम्हारा वो भी एक रूप है। जिसको जो पसंद हो, लंबा ठिगना बामन भगवान, मोटा पतला गोरा काला, जो आप चाहे। शास्त्र में ऐसा, अरे शास्त्र क्या लिखेगा, अनंत नाम रूपाय, भगवान के नाम भी अनंत, रूप भी अनंत, वहां लिमिटेशन नहीं है। भक्त की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है भगवान को। यद्यधिया तौरुगाय विभावयंती तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय, भक्त की ऊपर कृपा करने के लिए भगवान भक्त की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करते हैं। देखो नरसिंह मनुष्य पशु प्लस होकर के आ गए और नीचे चले गए, ये मछली का अवतार, ये कछुआ का अवतार, ये सुअर का अवतार। इसका नाम लेने में आपको परेशानी होती है, कोई खाना खा रहा हो और कोई कह दे कि मैंने एक सुअर देखा है, क्या बदतमीजी, खाते समय सुअर का नाम लेता है। अरे वो भगवान सुअर, भगवान
सुअर भगवान, हाँ वो सुअर भगवान तुम्हारे श्री कृष्ण भगवान से कम नहीं है। उनके एक रोमे को अगर जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस देख ले तो अपना ब्रह्म समाधि अपनी भूल जाए, इतना आनंद ओतप्रोत है एक रोम में। अरे शालिग्राम आप लोग देखते हैं, पूजा करते होंगे बहुत से लोग, काले काले एक ऐसे गोल गोल, उससे क्या होता है, उनमें जो माधुर्य है सौरस्य है वो सब में एक सा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अपनी इच्छा से आप बना लीजिए, अपनी इच्छा से श्रृंगार कर लीजिए। आप कहें हम पैंट पहनाना चाहें तो हाँ ठाट से पहनाइए। अरे सुनो, अगर आज भगवान का अवतार आपके घर में हो जाए तो आप पैंट नहीं पहनाएंगे, क्रिकेट नहीं खिलाएंगे उनको? अरे करेंगे ही, क्या पीतांबर पहन के वो जाएंगे कॉलेज? अरे जैसा हम चाहेंगे वैसे तो भगवान करेंगे। इसलिए तुम जैसा चाहो श्रृंगार कर लो, जैसा चाहो जो चाहो नाम पसंद कर लो। राम श्याम के अलावा भी आ ई ऊ का खा गा सब भगवान के नाम है, खाली भगवान की भावना रखो। अरे यशोदा मैया ने कभी हरे राम हरे राम हरे कृष्ण किया क्या? ओ कनुआ इधर आ, ओ कनुआ कह रहे हैं ब्रह्म को, ए बलुआ इधर आ, और भाग के आ रहे हो। ऐसा नहीं कि हाँ सुन करके अनसुना कर दिया कि मेरा नाम बिगाड़ रही है तो मैं नहीं जाता इसके बुलाने से। विभोर है श्याम सुंदर, क्योंकि गोलोक में तो वेद स्तुति करते रहते हैं, कोई डांट फटकार या वो गोपियों का चौर जार शिखामणि तो बोलने वाला है नहीं। ये तो हमारे मृत्युलोक में उनको मिला रस, हाँ? इसलिए सब आपकी च्वाइस पर छोड़ दिया भगवान ने। तुम जैसा चाहो रूप बना लो, जैसा चाहे श्रृंगार कर लो, जो चाहे सो हमसे लीला करा लो, लेकिन मन से ध्यान अवश्य करो। ब्रह्म सूत्र वेदांत में इसके लिए एक सूत्र बना दिया, ध्यानाच आसीन संभवात अचलत पंचापेक्ष, पांच छह सूत्र हैं ब्रह्म सूत्र के, उसमें प्रमुख है ध्यानाच, ध्यान करो, मन को लगाओ और इतना लगाओ कि तड़पन पैदा हो, व्याकुलता रहा न जाए बिना श्याम सुंदर से मिले। बस इसी का नाम भक्ति, उपासना, साधना।